अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुंशी अकरम अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहरा नगर ग्राउंड है जहां पर ईद की नमाज़ भी अदा की जाती है और बच्चों के लिए एक क्रिकेट का भी ग्राउंड है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों की जानिब से ये ग्राउंड को कैंसर हॉस्पिटल की पार्किंग के लिए दे दिया गया है। ये किसकी जागीर है, ये किसका मैदान है जो इस तरह से दिया जा रहा है, कौन है इसके ज़िम्मेदार? यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात की तो पता चला कि करीब 60 से 65 हज़ार रुपये हर माहाना कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ के कुछ ज़िम्मेदारों को दिया जा रहा है, और वो लोग का ये कहना है कि ये रुपये मस्जिद को लगा रहे हैं। एक मदीना मस्जिद है, वो मस्जिद को ये पैसे लगा रहे हैं, तो वो हिसाब की ज़रूरत है। तो कितने पैसे आप मस्जिद को लगा रहे हैं और महीना 60 से 65 हज़ार रुपये आ रहा है, ऐसा इत्तला मिली है। ये आंकड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए, इस ग्राउंड में, इस मैदान में जिस तरह से पार्किंग लगाई गई है, अफसोस की बात है। यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह पूछ रहे हैं, नहीं दी जा रही है। यहाँ पर इस तरह से पार्किंगों को ज़मीन दी जा रही है। अब यहाँ पर क्रिकेट मासूम बच्चे खेलते हैं, क्योंकि हमारे शहर हैदराबाद से एक सिराज जो इसी तरह गली में क्रिकेट खेलकर आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वैसे ही हमारा फ्यूचर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे इस तरह से क्रिकेट खेलकर हमारे इस स्टेट का और शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इस तरह से पार्किंग को जगह दी जा रही है। इसमें क्या MLA नागेंद्र इसमें मुलविस हैं? क्यों नागेंद्र ने ये काम को होने से नहीं रोका? ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से ये काम को अंजाम दे रहे हैं? फौरन इस पर तहकीक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये पार्किंग को दिया गया है, कल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, कब्ज़ा हो जाएगी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हम भी लगे हुए हैं कि इसके पीछे कौन और लोग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं जहरा नगर के, वो फौरन इस पर तवज्जो दें और इस तरह के कब्ज़ों से रोका जाए, क्योंकि अमूमन कब्ज़ा ऐसे ही होता है, पहले पार्किंग दी जाती है, बैठक होते हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 वो ज़मीन को कब्ज़ा किया जाता है। तो शायद ये भी प्लान वही होगा। तो इसके पीछे कौन से लोग हैं जो इस तरह से प्लान कर रहे हैं, या फिर उनका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान, ये भी हमें मालूम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, फिर अब नमाज रमज़ान और बकरीद भी आती है, उसके लिए भी नमाज कैसे अदा की जाएगी, ये भी कई सवालात हैं।